राजीव उठाओ, हटाओ इनको। माफ कीजिएगा सर, इनमें मेरा भांजा परवेज भी है और हम इन बच्चों पर लाठियां नहीं चला सकते। लो, इनमें इनका भांजा भी निकल आया। और तुम लोग, तुम लोगों का भी भाई भतीजा या औलाद है यहाँ? उठा लाठी और एक्शन लो। सर ये बच्चे हैं, ये अपने बुलंदगंज के हैं, अपने लड़कों पर लाठी बरसाएं ये कैसा पुलिस का जुल्म है सर? सर इन्हें खेलने दें। मेरा ऑर्डर मानने के बजाय मुझे सिखा रहे हो कि मुझे ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। उठाओ लाठी और बरसाओ इन पे। सुना तुम लोगों ने? ठीक है, देख लूंगा तुम सबको। स्टार्ट करो। બીજા કલર કયા છે? આ જરા બહુ ભડક લાગે છે મને. વાહ, ક્યાં કરો યહાં પે તું? मुझे यहाँ ऐसे देखकर आपका चौंकना जायज है। जायज है आपकी नफरत और ये नाराजगी। मैं इसी का हकदार हूं। मैं जानता हूं मैंने धरा के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तो मैं माफी के लायक भी नहीं। लेकिन बा, आप उम्र में बड़ी हैं। सही और गलत की समझ आपको मुझसे ज्यादा है। आप ही बताइए क्या मेरा यहां आना सही है या गलत? मैं यहां उसी के लिए आया हूं जिसके लिए मैं 7 साल पहले आया था। धरा का हाथ मान। देखो, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम जानते हो। क्योंकि हम लोग इनसे बहुत आगे बढ़ चुके, तो तुम भी आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हो ना बा? इसीलिए तो आया हूं आपके पास। प्लीज बा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलो। सच कह रहा हूं बा, आज तक मैं सब कुछ छीनना चाहता था पर आज मैं पाना चाहता हूं बा। और ये बदलाव मेरा बुलंदगंज में जब धरा की सच्चाई के सामने मैं हारा तब आया बा। मैंने तो सोच लिया था कि मुड़कर कभी धरा की तरफ, कभी शुभांगी की तरफ देखूंगा तक नहीं। पर जब से आया उनका ही चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमा। मैंने धरा से भी बात करने की कोशिश की लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मुझे पता है बा, मैंने जितने गुनाह किए पर अब मैं धरा के बिना, शुभांगी के बिना रह ही नहीं सकता बा। प्लीज बा, मुझे इन सजाओं से बचा लो प्लीज। जब मैं धरा को
अकेले सारी मुश्किलों का सामना करते हुए देखता हूँ। मेरी बेटी, उसका बाप है पर फिर भी बिना बाप के उसे बड़ा होते हुए देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे। भागर, आप मेरी बात समझो, आप लोग अगर मुझे माफ कर देना, हाँ तरह भी मुझे माफ कर दे, हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में ना सही, लेकिन एक बार तरह और शुभांगी के बारे में तो सोचिए, कब तक वो अकेले रहेंगे भाग, कब तक? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, एक बार मेरी बात समझ लीजिए, एक मौका दे दीजिए ना भाग, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। दीपक क्या छे तू? घर जा। क्यों आए हो? नहीं रोक पाया मैं अपने आप को तरह, बस एक बार बात करनी तुमसे, आखिरी बार बात करनी है। बातें करना, सुनना, सुनाना सब कर चुके हैं अमीर, अब कुछ नहीं बचा है हमारे बीच, प्लीज जाओ यहां से। मीर मैं सच में समझ नहीं पा रही, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों कर रहे हो सब? तुम्हें मुझसे बात करनी है और तुम उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। हमारे बीच कुछ नहीं है मीर, जाओ यहां से प्लीज। मैं खुश हूं यहां, आगे बढ़ चुकी हूं और अब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बीच जो कुछ भी था कब का खत्म हो चुका है, अब बस मुझे शुभांगी को मृदुला दीदी के घर से वापस लाना है, और मैं ये नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखे और मुझसे ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मेरे पास ना हो। जाओ यहां से प्लीज। धारा, मैं चलता हूं। नहीं संजय, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाओ मीर। प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुन लो, बस थोड़ा सा वक्त अकेले में दे दो मुझे। जो कुछ भी कहना है संजय के सामने कहो, नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं जब पिछली बार यहाँ से गया था तब डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं मिलूंगा, तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा। पर उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे यहाँ शुभांगी के बिना बिल्कुल अधूरी है, एकदम अकेला हो चुका हूं। मेरी जिद, मेरे गुनाह, इन सब ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मैं आज तुमसे माफी मांगकर अपनी खुशियों की भीख मांगने आया हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाहों को माफ कर दो धरा। और इस बार कोई ड्रामा नहीं है, कोई चाल नहीं है धरा, मेरी सब कुछ दिल से है, सब कुछ सच है, प्लीज धरा, प्लीज मेरा विश्वास करो प्लीज। विश्वास? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता मीर, प्लीज मत करो ये सब, बस करो। पिछली बार भी हमने ये सारी बातें की थी मैं, और मैंने तब भी तुमसे ये कहा था और आज फिर से कह रही हूं, हम एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। प्लीज मीर चले जाओ यहां से, तुम्हारे साथ बिताया हुआ
हर एक पल में भूलना चाहती हूँ। और जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो इस माफी से नहीं भरेंगे। खैर, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैं शुभांगी के साथ और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। प्लीज धरा, प्लीज, मैं कहती हूँ प्लीज, प्लीज धरा, एक बार मुझे माफ कर दो ना यार। तुम्हें जो सजा देनी मुझे दे दो, पर अपने आप से दूर मत करो धरा, शुभांगी से दूर मत करो मुझे। धरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका एहसास मुझे देरी से हुआ है, लेकिन जब ये एहसास हुआ तब मैं बदल गया था। तुमने मुझे बदला है, बस एक मौका था, सिर्फ एक मौका, और तुम देखो मैं कितना अच्छा पति, कितना अच्छा बाप बन के दिखाता हूँ तुम्हें। ढेर सारा प्यार करूंगा, प्लीज जरा शुभांगी को अपने पापा के प्यार से दूर मत रखो ना। एक बार मुझे माफ कर दो, ठंडे दिमाग से एक बार सोच लो और बस मुझे माफ कर दो। कह दिया जो कहना था, अब जाओ प्लीज। ठीक है, आज तो मेरी बात नहीं मान रही, पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी ये जो नफरत है ना वो प्यार में जरूर बदल जाए, और मेरे पास तुम लौटकर जरूर आओगी तरह, और उस दिन का मैं इंतजार करूं, जिंदगी भर इंतजार करूंगा। संजय, बेस्ट ऑफ लक फॉर कैंपेन। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।